कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को, गरीबों को हम लोग आर्थिक न्याय देने का काम करें। जो गरीबों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के लिए, जो हमारे दलित पिछड़े भाइयों के लिए जो सरकार काम करी थी, भाजपा के लोगों ने उस स्थिर सरकार को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। तोड़ने में, डराने में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाने में, या विधायकों का प्रयास किया गया और खरीदने में, लेकिन हम लोग एकजुट रहे हैं और हमारी सरकार 5 साल चली। महागठबंधन के लोग टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। ये लोग शॉर्टकट तरीके से सरकार बनाना चाहते थे, लोगों दे करके सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गोड्डा की जनता पर कि 10 साल से लगातार जो भाजपा के विधायक हैं, जो गोड्डा के लिए आवाज नहीं उठा पाए, काम नहीं कर पाए, इस बार गोड्डा की जनता बदलाव लाएगी, परिवर्तन करने का काम करेगी और संजय जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। आज हम लोगों के बीच बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हैं, यहाँ गोड्डा पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को कि मैया योजना ला करके हमारी आधी आबादी महिलाओं को 2500 रुपए जो है खाते में देने का जो योजना लाया है, ये एक आर्थिक न्याय की ओर बढ़ता कदम है। और आज की समय की जरूरत है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को, गरीबों को हम लोग आर्थिक न्याय देने का काम करें। हम हेमंत सोरेन जी को ढेरों बधाई है, इसके लिए भी इनको ढेरों बधाई और धन्यवाद देने का काम करते हैं। पेंशन योजना के तहत 1000 रुपया जो दिया जा रहा है, इसके भी हम लोग जो है सराहना करने का काम करते हैं। साथ ही साथ छात्र योजनाओं में भी जो है कई लोकप्रिय योजना इन्होंने लाया है, इसके लिए भी इनको धन्यवाद देते हैं। हम साथ लेकर के चले, काम करें, झारखंड की तरक्की हो, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, ये हम लोग चाहते हैं कि इस दिशा में काम, विकास हो। ये हम लोगों ने देखा कि 5 साल में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो भाजपा ने राज किया, लेकिन झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। महागठबंधन की सरकार बनी हेमंत जी के नेतृत्व में, तो आप देखिएगा गरीबों का सम्मान किया जा रहा है, आर्थिक न्याय किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के साथ साथ। और आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है लोग। ये लोग केवल ठगने का काम करता है, बड़ा बड़ा भाषण देगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। अद्भुत है बीजेपी जहां सत्ता में नहीं आती, ऑपोजिशन के लोग अगर सरकार बनाते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक जिस चुने हुए सरकार को बनाती है, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उस जनता की सरकार को खत्म करने का प्रयास लगातार झारखंड में किया गया। 5 साल हेमंत जी ने सरकार चलाया, लेकिन कितना तंग किया गया एक स्थिर सरकार को, जो गरीबों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के लिए, जो हमारे दलित पिछड़े भाइयों के लिए जो सरकार काम करी थी, भाजपा के लोगों ने उस स्थिर सरकार को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि महागठबंधन के लोग एकजुट रहे, भाजपा चाहे
कितना भी प्रयास किया हो तोड़ने में, डराने में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाने में, या विधायकों का प्रयास किया गया हो खरीदने में, लेकिन हम लोग एकजुट रहे हैं और हमारी सरकार 5 साल चली। एक बात बता देते, महागठबंधन के लोग टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। और भाजपा कितना भी प्रयास करेगी, हम लोग टूटने वाले लोग नहीं है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तुम डराओगे उससे। और हेमंत सोरेन और लालू यादव, तेजस्वी यादव डरने वाला है? बताइए, देश में एकमात्र हमारे आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हेमंत भाई मुख्यमंत्री थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया। करारा जवाब उन लोगों को देना है। जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम लोगों पर, मेरे पूरे परिवार पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी और तेजस्वी आज तक भाजपा के सामने घुटना नहीं देगा। हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। न कल झुका था, न आज झुकेगा, न कल आने वाला समय में झुकने का काम करेगा। फिर का प्रश शक्तियों को, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सदैव आप लोगों के साथ खड़ा है, ताकि बिहार और देश और झारखंड में अमन चैन कायम रहे, शांति रहे। क्योंकि जहां पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है, जहां अमन चैन है वही विकास संभव है। ये भाजपा के लोगों के पास कुछ नहीं मिलता, कुछ गिराने के लिए कुछ नहीं है। कितना केंद्र मंत्री धर्मेंद्र से बना, लगातार जो है केंद्र में इनका सरकार, लेकिन झारखंड के विकास को लेकर के जो है इन लोगों ने नजरअंदाज करने का काम किया। ये लोग शॉर्टकट तरीके से सरकार बनाना चाहते थे, लोगों देकर के सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन अब झारखंड की जनता इनके चाल और चरित्र को जान गई है। इनके चाल और चरित्र में क्या क्या इनका गुण है सब लोगों ने देख लिया है। और इस बार मुझे पूरा झारखंड और गोड्डा के लोगों पर विश्वास है कि इस बार पूरा फिर से हेमंत सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग जो है मिल करके बनाएंगे और ये बनेंगे और विकास की रफ्तार को तेज करेंगे और झारखंड को आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। समय कम है, हेमंत जी को भी 4-4 जगह कार्यक्रम में जाना है, इसके बाद हमको भी देवघर में कार्यक्रम में जाना है। तो आप सब लोगों की अनुमति और आप सब लोगों का विश्वास है ना, संजय जी को जिताना है ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।